check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं माय टॉपिक द स्टोरी विद द बॉय ऑन द टॉपिक. सो वी आर बैक. हाय गाइस, दिस इज पुलकित. वेलकम टू माय शो जिसका नाम है माय टॉपिक द स्टोरी. थैंक यू गाइस पीछे के एपिसोड सुनने के लिए और इतना ज्यादा यू नो सराहने के लिए. थैंक यू सो मच. सो गाइस, आज का एपिसोड स्पेशल क्यों है? आज का एपिसोड इससे भी स्पेशल है बिकॉज आज मैं एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ आया हूँ. बिकॉज यू नो मैंने अगर अपनी जो आरजेइंग की जर्नी है वो इन्हीं के साथ शुरू करी हुई है और मैं अभी भी आरजेइंग करता हूँ. और मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ. उनका नाम है दानिश महाजन. ही इज अ फाउंडर ऑफ रेडियो डॉन. रेडियो डॉन के कर्ता धर्ता यही हैं. एंड अब मुझे ही नहीं पता दानिश ने मुझे क्या देखा मुझ में, ऐसा क्या उन्होंने फाइंड आउट करा और मेरे को यू नो बोल दिया कि आप एक स्लॉट करेंगे हमारे लिए, हमारे शो करेंगे. तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी. एंड दानिश काफ़ी अच्छे राइटर भी हैं, ऑडियो ड्रामा लिखते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग ऑडियो ड्रामा लिखे हुए हैं. बाकी तो खैर ये अपना रेडियो करते ही हैं. प्लस इनका रात को 9 बजे रेडियो डॉन पे 9 बजे बदलता दौर शो भी आता है इनका. एंड और भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं. बट दीज आर द मेन पॉइंट जो मुझे लगा शायद आज दानिश को बुलाना चाहिए अपने टपरी टॉक पे. तो प्लीज वेलकम दानिश महाजन. हाय दानिश, कैसे हैं आप? बढ़िया पुलकित, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. आपने कहा कि आपने क्या देखा, तो तमाम चीजें थी तो देखी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका पैशन, आपकी डेडिकेशन. तो आज आपने प्रूव किया है, आपके लिसनर्स ने आपको सुन के प्रूव किया है कि भाई आप में बहुत कुछ था जो बहुत पहले देख लेना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा देर हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए. तो यू नो इट्स ऑलवेज ऑनर टू लिसन यू और आपके शोज को सुनना, मजा आता है आपको सुनने में. थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच. तो दानिश मेरी यही कोशिश रहती है, जो मेरा मैसेज है, जो मैं जिन जिन शख्सियत से बात करता हूँ उन शख्सियत का मैसेज मेरी जो ऑडियंस है उस तक पहुंचे, रेडियो डॉन की ऑडियंस तक पहुंचे, जो मेरे पॉडकास्ट सुनते हैं उन तक मेरा मैसेज पहुंचे. तो बस यही एक कोशिश है ताकि लोगों तक मैसेज पहुंचे. ओके दानिश, मेरे को आप अलाउ कीजिए, मैं आपसे कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस हैं मैं पूछना चाहूंगा, प्लीज अलाउ मी. बिल्कुल. ओके दानिश, दानिश मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है. यार मुझे आप ये प्लीज बताएं, थोड़ा सा आप मेरे को रेडियो डॉन के बारे में बताएं, क्यों आपको ऐसा लगा कि मेरे को एक रेडियो डॉन, एक ऐसा रेडियो स्टेशन शुरू करना चाहिए हम सबके लिए? तो मैं वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन द शो. रेडियो पुलकित, मैं 14 साल की उम्र में विजुअली इम्पेयर्ड हुआ था, टोटली ब्लाइंड हुआ था रेडियो. जी जी. और 14 साल से 4 साल मुझे कोई अवेयरनेस नहीं थी whether blind can study or not, हम क्या कर सकते हैं, what are the opportunities available for us, तो कोई आइडिया नहीं था. तो इस स्ट्रगल में 4 साल मेरे चले गए. जी. जब मैं 18 साल का हुआ तब I got to know from my doctor कि we can study. I asked you whether we can study, तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप पढ़ सकते हो. जी. तो 18 साल की उम्र में फिर मेरी जिंदगी का एक नया जो अध्याय सॉरी तो जो नया लाइफ का चैप्टर है, तो 18 साल की उम्र में मेरी लाइफ का जो नया चैप्टर शुरू हुआ. ओके ओके. जब मैं लुधियाना में वीआरटीसी गया, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ब्लाइंड. जी. तो वहां पे मैंने स्टडी शुरू. जी. वहां स्टडी करते करते मुझे दो चीजें लगी. एक तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. जी. द ओनली थिंग कि बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को उसके बारे में पता नहीं है. जी. तो दूसरा मन में ये भी था कि मेरे जैसे और भी डिसेबल लोग होंगे जिनके टाइम वेस्ट हो रहा होगा, तो आई नीड टू वर्क इन रूरल एरिया. जी. तो ये थॉट इनिशियल था.
उसके बाद मैंने ये रिसर्च की अपने टीम के साथ, हम सभी ने ये रिसर्च शुरू की कि हम वो काम नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी दूसरे लोग कम्युनिटी में कर रहे हैं, क्योंकि वो तो कर ही रहे हैं, तो सेम काम करके कोई फायदा नहीं है जी। तो हमने इंटरनेट रेडियो के बारे में सुना, तो उससे हमें तीन चार चीजें ये लगी। एक तो उस 2014 के आसपास मीडिया में डिसेबिलिटी न्यूज को बहुत कम कवर किया जाता था जी। मीडिया में हमारे डिसेबल लोगों की कोई आवाज नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जी। और रेडियो शुरू करने से हमें लोगों को यह भी मैसेज देना था कि टेक्निकली जो हम टेक्नोलॉजी इरा में प्रवेश कर रहे हैं जी, हम लोग भी टेक्नोलॉजी का यूज करके एंटरप्रेनर बन सकते हैं, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स हैं वो हम कर सकते हैं जी जी। चौथी सबसे बड़ी चीज की रेडियो की खासियत ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म में कई काम एक साथ कर सकते हो जी। आप अलग अलग शो के माध्यम से आप एजुकेशनल शो रन कर सकते हो जी, आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड शो कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शो कर सकते हो, आप अवेयरनेस से रिलेटेड जिंगल प्ले कर सकते हो जी, शो कर सकते हो। तो ये एक मॉल की तरह है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जी। आप ना एक हेल्पलाइन की तरह काम कर सकते हो, लोगों को नेटवर्किंग कर सकते हो। तो ये थॉट के साथ हमने रेडियो को शुरू किया था जी जी। लेकिन जी, ये था कि पता नहीं हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं, सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड शुरू से ही हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत सारे लोग डाउटफुल थे कि ये 6 महीने से ज्यादा रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दानिश पता क्या होता है, एक रेडियो स्टेशन को स्क्रैच से शुरू करना है ना, और थॉट नहीं होता कि आगे क्या चल पाएगा या नहीं, लोग सुनेंगे या नहीं, कोई एप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं, एक ये भी डर था आएगा साहब लोगों में राइट। हाँ, क्योंकि अब क्योंकि हम इंटरनेट रेडियो रन करते हैं जी, तो इंटरनेट रेडियो में अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, क्योंकि YouTube जैसे जाइंट वहां पे है, इतने प्रोफेशनल वहां पे है जी। तो चैलेंज ये था कि आपके रेडियो पे ऐसा क्या जो लोग आपको सुनने आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो इसको हमने डील किया 2014 में जब हमने शुरू किया, तो हमने दुनिया का सबसे पहला डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, वीकली न्यूज बुलेटिन शुरू किया। वाओ। अब ये ऐसी चीज थी कि लोगों को सुनने के लिए आपके पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में आपके पास कोई ऐसा न्यूज बुलेटिन नहीं है स्पेसिफिकली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरा डिस्कशन का शो था, तो डिस्कशंस में उससे पहले बहुत रेयरली डिस्कशंस होती थी, वो भी फिजिकली होती थी, ऑनलाइन बहुत कम होती थी उस टाइम पे, जो नॉन जो डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े लोग हैं वो 4-5 लोग आए और एक टॉपिक के ऊपर डिबेट करें, डिस्कशन करें, डिसेबिलिटी से कम्युनिटी को अवेयर करें क्या चलता कम्युनिटी में, वो एक नई चीज थी। उससे हुआ क्या कि तमाम एनजीओ के लोग मेरे शोज में आते हैं, तो एक उनमें भी कनेक्शन बना, और उनको जो एक रिस्पेक्ट ड्यू थी कि भाई वो इतने बुद्धिजीवी हैं, टीवी पे डिस्कशंस पे उनको बुलाया नहीं जाता, लेकिन उनके थॉट्स लोगों के सामने आए। फिर हमने 2014 में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल बनाने शुरू किए। ये तमाम हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, नए नए शोज हमने किए। अब 2014 में जब हमने किए उसके बाद तो पुलकित बाढ़ आ गई, मतलब काफी लोगों ने न्यूज बुलेटिन शुरू किया, ट्यूटोरियल तो हर कोई बना रहा है आज की लाइफ में, हमें देख के लोगों कि ये ऑनलाइन डिस्कशंस करके वेबिनार करके आप पैसा भी बचा सकते हो और लार्जर ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो। बिल्कुल, तो बहुत सारी जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी अब मुझे नहीं पता हमारा कितना क्रेडिट है, बट मैं कि रेडियो उड़ान को देख के बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन में अपनी शिफ्ट किया है चीजों को, और
बहुत सारे लोगों को ये लगा है, कॉन्फिडेंस आया है कि हाँ यार हम ऑनलाइन यूट्यूबर बनना है, हम वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, तो इन चीजों में काफी कंट्रीब्यूशन रहा है रेडियो का। तो मतलब दानिश, इसका मतलब ये है कि एक रेवोल्यूशन आपने क्रिएट किया रेडियो डांस के साथ। कह सकते, बिल्कुल कह सकते। बहुत अच्छा। तो दानिश मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। दानिश, बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, आपकी जर्नी कैसी रही? लाइफ स्मूथ थी, डिफिकल्ट रही? क्या क्या सैक्रिफाइसेस, क्या क्या कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े? देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड होने के बाद लाइफ चैलेंजिंग रही। इसमें मजा भी आया, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, लाइफ टुवर्ड्स लाइफ एक नया पर्सपेक्टिव मिला जी। तो ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट एट द सेम टाइम लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस डिसेबिलिटी। और आज मैंने एक कविता लिखी थी जो आपका सवाल है, तो दो लाइनें मैं उसमें बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज जितने भी लोग मुझे सुनते हैं जी, वो मेरी ब्लाइंडनेस के कारण मुझे सुनते हैं। अब मैं ब्लाइंड हुआ तभी रेडियो का थॉट आया, तो मैं शो करता हूँ, सारे लोग सुनते हैं। तो उसमें ये था कि आज इन आंखों के बदौलत ही तो लोग सुनते हैं मुझे जी, पर इन आंखों ने मुझे सुनवाया भी बहुत है, इन आंखों ने मुझे हंसाया भी बहुत है और रुलाया भी बहुत है जी। इन आंखों से मैंने खाया भी बहुत है, पाया भी बहुत है। तो कहने का बात है कि दोनों तरफ की सिचुएशन थी। इन आंखों के कारण चैलेंजेस भी बहुत आए, लेकिन एट द सेम टाइम काफी नेम फेम भी मिला। और शायद मैं वन ऑफ द पर्सन इसलिए था कि आई एक्सेप्टेड माय डिसेबिलिटी प्रीटी सून, का मुझे ये बेनिफिट मिला कि आई हैड नो रिग्रेट। ठीक है, हो गया तो हो गया, तो आई हैव टू मूव ऑन। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ये थॉट होना, देखिए आफ्टर बीइंग डिसेबल्ड यू हैव टू चॉइसेस, आइदर क्राई और क्राई। Keep crying, then you will not get anything. You will, you know, आप अपनी और अपने आप को तंग करोगे, परेशान करोगे। If you will try, आपके पास चांसेस है कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। You have nothing to lose. So I went with the mantra, try. I have to try, and I feel I got succeeded in that. I think आपका ये मंत्रा काम कर गया और आपको लोग जाने लग गए। दानिश, बिल्कुल नाइस, वेरी नाइस। मुझे काफी लोग पूछते हैं ऐसे आपके बारे में कि आप दानिश से आपने क्या सीखा। मैं कहा दानिश से मैंने ये सीखा कि मैंने दानिश से शो को कैसे रन करना है, कैसे क्वेश्चनिंग करनी है, मैंने ऑलमोस्ट दानिश से सीखी। क्योंकि दानिश का शो मैं सुनता हूँ कभी कभार, तो मैं दानिश की क्वेश्चनिंग से बड़ा इम्प्रेस होता हूँ। जैसे दानिश क्वेश्चन पूछते हैं ना शो में, किसी भी अपने सामने जो उनके शख्सियत आती हैं, तो उनसे जब वो क्वेश्चनिंग पूछते हैं, और वो मेरे माइंड में बहुत काफ़ी ऐसे एक ख्याल पैदा करते हैं, यार ये क्वेश्चन कैसे पूछा होगा। अगर मैं अगर दानिश की जगह होता, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ पाता? तो ऐसे काफ़ी मैं अपने आप से ना उस टाइम पे डिस्कस करता हूँ जब भी मैं दानिश को सुनता हूँ। एंड दानिश, यार ये कैसे करते हैं यार, हाउ इज इट लाइक, कैसे ये एक प्रोसेस बताओ कुछ हल्का सा थोड़ा सा। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ, आप जो भी प्रोफेशन करो ऑनेस्टी से करो। बिल्कुल। अगर मैं एंकर हूँ, मेरा बदलता दौर है, मैं उस टाइम पे एग्जांपल के साथ कहता हूँ कि हमारे बहुत बड़े लीडर है रोंगटा सर, संतोष कुमार रोंगटा जी, कोर्ट में लॉयर। तो मैंने एक सेगमेंट शुरू की थी डायरेक्ट टॉक जी, मैं उनसे टफ क्वेश्चन पूछता था, इस क्वेश्चन पे आपका क्या कहना है, ये इल्जाम लगाते हैं आप, इस पे क्या कहोगे। उसके बाद हजारों लोगों के, मेरे को हजारों नहीं सॉरी, मतलब कम से कम मेरे को 300-400 लोगों के फोन तो आए जी। आपने ये इतने टफ सवाल रूंटा सर से पूछे कैसे, यू कैन नॉट इवन आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ कि मैं यहाँ पे लोगों को, मेरे को प्रोजेक्ट्स भी करना है। देखिए, अगर वो गलत नहीं है तो
वो उनके पास क्लैरिटी होगी. आई एम नॉट अ जज, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन. इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गेस्ट वेदर ही और शी हैज टू आंसर दैट क्वेश्चन और दे कैन पास द, इट इज देयर चॉइस. नाउ इफ दे डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, दे विल टेल यू द ट्रुथ, दे विल डिफेंड देमसेल्फ. उल्टा मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं दे कैन डिफेंड देमसेल्फ. दे कैन गिव अ क्लैरिटी. बहुत सारी बातें होती है वो हेयर से में होती है कि भाई या नहीं जी ये तो ऐसे है ये तो ऐसे है, बट पीपल डू नॉट नो द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ दैट इवेंट. सो आई एम ब्रिंगिंग दैट इन लाइट. तो मुझे लेकिन कभी भी किसी पैनलिस्ट ने ये नहीं कहा थैंकफुली कि आप मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछिए. और जो मुझे ये कहता था आई विल नॉट डू शो विद. और मैं भी जहाँ पे जाता हूँ मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मतलब अब तो बहुत सारे इंटरव्यूज मैं देता हूँ लोगों को, लेता भी हूँ. तो आई आस्क देम, मेरे से आप कंसेंट मत लीजिए, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए बेधड़क होकर. जब आपके पास माइक है ना, जब आपके पास मंच है, जब आप किसी चीज को होस्ट कर रहे हो, आपको ये केयर नहीं करनी चाहिए कि सामने कौन है. आपको अपनी जॉब के बारे में पता होना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आदमी आपको इंटरव्यू नहीं देगा, नहीं देगा तो नहीं दे. और इंटरव्यू तो उसका भी बेनिफिट हो रहा है, उसको भी एक्सपोजर मिल रहा है. बिल्कुल. यू हैव अ लॉट ऑफ, आप एक बंदा नहीं आएगा, 10 और आ जाएंगे. तो आप अपने आप को कम मत सोचिए ना. यू बिहेव लाइक यू आर द बेस्ट एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क. एब्सोल्युटली. ओके सो दानिश, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था. सोसाइटी का सपोर्ट आपके साथ कैसा रहा? सोसाइटी का सपोर्ट, अब तो पहले हमने जब शुरू किया था तो हमने ओनली दिस रेडियो बाय डिसेबल रखा था, फॉर एवरीवन बाय डिसेबल. फिर हमें एक टाइम के बाद लगा कि बहुत सारे जो नॉन डिसेबल थे वो भी हमारे पास आते थे, कहते थे सर हमें तो सिर्फ शौक के लिए आगे बनना है, हमें तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता. तो हमें ये लगा बाद में कि हमें इंक्लूसिव करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अवेयर नॉन डिसेबल पीपल, कि उनको भी पता लगे कि हम डिसेबल लोग रेडियो रन करें हमारे साथ, वो डिसेबिलिटी को समझे, उसके बारे में पढ़े, बात करें, एक चेन बने. तो अवेयरनेस रियल इंक्लूसिवनेस से आएगी. सोसाइटी का सपोर्ट रहा है, पीपल हैव अप्रिशिएटेड. और बहुत सारे नॉन डिसेबल्ड भी इस रेडियो को सुनते हैं, बहुत सारे नॉन डिसेबल्ड है हमारे पास. इन टर्म्स ऑफ फंडिंग सारे, मैं जनरली अपनी इंटरव्यू में अच्छी बातें करना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों का ना एक व्यू पॉइंट है कि यार ये एनजीओ वाले ना जहां भी जाते हैं फंडिंग वाली बातें करते रहते हैं. तो मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक पे बात करने को. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज जस्ट, हम नए लोग हैं, मुझे लगता है कि डोनर को भी काम देख के डोनेशन देनी चाहिए. तो थोड़ी सी क्वालिटी हम यहाँ कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, फंडिंग बिल्कुल नहीं. इंडिया में ऑनलाइन रेडियो को कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देता. एफआर वाले भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. छोटी ऑर्गेनाइजेशन को आपको बहुत फाइट करनी पड़ती है और आपका बहुत टाइम वेस्ट होता है. आपको लगता है छोड़ो जितना कर रहे हो आप, उसी में बेस्ट क्या कर सकते हो वो देखो. तो मतलब सोसाइटी का साथ रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट या मतलब फंडिंग के लिहाज से देयर इज डिसअपॉइंटमेंट कि आप इतना अच्छा, आपकी टीम काम कर रही है जैसे आप लोग काम करते हो, तो हमें लगता है कि यार कुछ तो ऑनरेरियम इनको मिलना चाहिए ना. अब कुछ लोग तो जो जॉब कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ रेडियो कर रहे हैं, तो कुछ तो यार ऑनरेरियम उनको मिलना चाहिए ना. लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक चैलेंज है जहां डिसअपॉइंटमेंट है. बट ओवरऑल सोसाइटी का सब अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इन टर्म्स ऑफ लिसनर्स. तो मतलब दैट्स फाइन. गुड, वेरी गुड. ओके दानिश, अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप डिसेबिलिटी सेक्टर को मीडिया में कैसे देखते हैं फ्यूचर? बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे हैं, हमारे जो यू नो जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, चाहे वो व्हीलचेयर पे हैं, चाहे वो यू नो
चाहे वो विजुअली इम्पेयर्ड है, चाहे किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी से वो फेस कर रहे हैं, वो अपने आप को मीडिया में प्रेजेंट करना चाहते हैं। मीडिया इन द सेंस, मीडिया बहुत बड़ा वर्ड है। मीडिया जैसे कि सोशल रियलिटी शोज, चाहे आपका रेडियो हो गया, चाहे आपका रियलिटी शोज हो गया, चाहे आपका किसी भी जहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट कर सके, आप डिसेबिलिटी सेक्टर को कैसे देखते हैं मीडिया में? हम तो एक डिसेबिलिटी सेक्टर को तो हम बड़ा ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, लेकिन मीडिया वाले हमें नहीं देखते, दैट इज द पॉइंट नो। बहुत सारा ऐसा काम है जो डिसेबल्ड कर सकते हैं, लेकिन आज भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासतौर पर इतनी सेंसिटाइज नहीं है, सेंसिटिव नहीं है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। कोई इशू वो नहीं उठाएंगे आपका, आपके एक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रिंट मीडिया कुछ हद तक सेंसिटिव हुआ है, कई न्यूज रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही है, प्रिंट मीडिया में डिसेबिलिटी को अच्छा खासा कवर किया जा रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन वो लोग सेंसिटिव नहीं है। देखिए, वॉइस ओवर का काम तो कोई भी कर सकता है, उसे डिसेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो आपको टीम मना कर देंगे आप डिसेबल्ड हो। फिर आपको जो स्टोरीज कवर करनी है, जो आपको पब्लिश करनी है, वो डिसेबल कर सकते हैं, उसमें डिसेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आप कर सकते हो। डिसेबिलिटी न्यूज डेस्क बना सकते हो, वहां डिसेबिलिटी, क्योंकि डिसेबल्ड अच्छे से न्यूज को कवर कर सकता है, एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव दे सकता है। बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। अनफॉर्चुनेटली मीडिया सेक्टर इज नॉट दैट सेंसिटिव व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, और उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में वहां भी हमारे लिए काफी एवेन्यूज खुलेंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक दानिश, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मीडिया सेंसिटिव, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। काफी हद तक बहुत मेहनत के बाद एक स्टेज मिल पाता है डिसेबिलिटी को। बहुत मेहनत के बाद, जब तक उसका सोशल मीडिया पे उसका थोड़ा नाम ना हो जाए, जब तक है ना, कुछ कर ना दिया हो उसने, कोई लाइफ में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना कर दिया हो, तो तब तक बहुत आई थिंक स्ट्रगल है अभी मीडिया तक जाने के लिए। हालांकि मैं खुद अपने आप को, मैं मेरे को NDTV ने कवर किया, मेरे को आज तक ने कवर किया, पर मुझे वहां तक जाने के लिए भी बहुत एक स्ट्रगल करना पड़ा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ा। पुलकित, मैं ये कह रहा था कि यू कैनॉट जज द पर्सन बाय द नंबर्स ऑफ द फॉलोअर्स। जी, तो ये दिस इज वेरी रॉन्ग कि सिर्फ आप देखो कि उसके फॉलोअर क्या है। फॉलोअर, देखिए, फॉलोअर लाने के भी कई तरीके, हम सबको पता है, वो तो है आराम से, बट सब शॉर्टकट तरीका लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसी अमेजिंग पर्सनैलिटीज हैं। अब मीडिया क्या करती है, आपने IAS क्लियर कर दिया, तो ब्लाइंड ने IAS क्लियर किया, है ना, बहुत अलग तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। तो एक वो सिंपैथी है, आज भी एम्पैथी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पार्लियामेंट में जो भी एक्ट पास होता है उस पे घंटों घंटों डिबेट करते हैं। हमारा RPDX पास हुआ, एक भी चैनल ने उसके ऊपर एक भी शो नहीं किया। तो पर्सनैलिटी बेस्ड शो ठीक है, लेकिन इशू बेस्ड शो भी उनको करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमें इशू बेस्ड शो की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल दानिश, एनी मैसेज टू द सोसाइटी जो आपको देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मैसेज मैं ये देना चाहता हूं कि पहले तो आप जो हो उसे एक्सेप्ट करो। हर किसी के अंदर डिफरेंट टैलेंट होता है। बिल्कुल, आप जो हो आप उसको एक्सेप्ट करो, डोंट कॉपी अदर्स। आप लोगों से मोटिवेशन ले सकते हो, बट उन्हें कॉपी करने की कोशिश मत करो, बिकॉज विराट कोहली कैन नेवर एवर बी सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर कैन नेवर बी राहुल द्रविड़। एब्सोल्युटली, तो हर हर की अपनी पोटेंशियल होती है। जो आप उस पे फोकस ना करो,
कि आप क्या नहीं कर सकते, आप उस पे फोकस करो कि आप क्या कर सकते हो। आप बड़े सपने देखो, ऐसा कोई सपना नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपकी सिंसियर अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ बनना चाहते हो, आप बोले कि भैया भगवान ही सब कुछ कर दे, एफर्ट्स तो आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं सोसाइटी से ये कहूंगा, बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पर्संस विद डिसेबिलिटी। आप जो भी काम करते हो उसको एक्सेसिबल रूप में करें। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट एक्सेसिबल बनाएं। उससे एक तो पर्संस विद डिसेबिलिटीज और सीनियर सिटीजन उसको यूज करेंगे, दूसरा आपके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानता हूं कि डिसेबिलिटी इज इनएक्सेसिबिलिटी, इफ देयर इज एक्सेसिबिलिटी देयर इज नो डिसेबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें। ये सोच के मत करें कि भाई हम किसी के लिए कर रहे हैं, आपको भी कल सीनियर सिटीजन होना है। फॉर एग्जांपल रैंप है, रैंप की जो जरूरत है सिर्फ ऑर्थोपेडिक को नहीं है, सीनियर लोगों को भी है। जो बस में या मेट्रो में जो ऑडियो अनाउंसमेंट होती है वो सिर्फ ब्लाइंड लोगों को हेल्प नहीं करती है, 90% लोगों को हेल्प करती है कि भाई उनको पता लग गया कि हाँ हमारा स्टेशन आने वाला है, है ना। तो आप एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखें, बी एम्पैथेटिक और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। नाइस, वेरी नाइस दानिश, इससे बढ़िया मैसेज आप दे नहीं सकते, आई थिंक। एंड दिस इज लाउड एंड क्लियर टू ऑल ऑफ जो यहाँ पे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उनको बहुत अच्छा मैसेज मिला। सो दानिश, कैसा लगा आपको? हाउ वाज इट? ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू। तो बहुत मजा आया, और जब भी मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि मैं हो सकता है कि कुछ नए लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में बता सकूं। बिल्कुल। तो मुझे इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, और आपके सवाल बहुत अच्छे थे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू दानिश, आई वंस अगेन थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये था मेरा ऑडियंस। यू आर एसेट टू रेडियो उड़ान, यू आर अ ग्रेट एसेट ऑफ रेडियो उड़ान। थैंक यू दानिश, थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये था मेरा आज का शो, आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। एंड आप दानिश को भी फॉलो कर सकते हैं, आप दानिश का शो भी सुन सकते हैं रेडियो उड़ान पर, जो रात 9 बजे आता है बदलता दौर। एज वेल एज आप दानिश को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, दानिश इंस्टाग्राम पे भी हैं, दानिश फेसबुक पे भी हैं, दानिश महाजन आप जस्ट सर्च करें आपको मिल जाएगा। सो गाइस, क्या करना है, ध्यान रखना है और दुआ में रखना है। बाय बाय, प्लीज टेक केयर।